एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन पेपर 2024 कंप्यूटर साइंस। इसका पेपर नंबर सेकंड है और इसका नाम है प्रोग्रामिंग विद फाइटॉन। ये पेपर भी 70 मार्क्स का हुआ है, 25 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए और 3 सेक्शन है इसमें। चलिए बात करते हैं सेक्शन ए की। यहाँ पर जैसे आपका फाइटॉन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, चार ऑप्शन में से एक पे आपको टिक करना है। निम्न में से कौन सा फंक्शन आपका फाइटॉन के दो मुख्य फंक्शन के टाइप कौन से हैं, चार ऑप्शन में से आपको एक पे टिक करना है। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए इसका उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है, चार में से आपको एक पे टिक करना है। यह टू डायमेंशनल वेल्डर डाटा स्ट्रक्चर है, चार में से आपको एक पे टिक करना है। अब आ जाता है आपका सेक्शन बी, जो कि यहाँ पर 28 मार्क्स का है और 7 मार्क्स इस क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, 200 वर्ड्स में आपको इसके आंसर देने हैं। व्हाइल लूप और फॉर लूप में आपको अंतर स्पष्ट करना है। लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को उदाहरण सहित समझाइए। इंटर किए गए कैरेक्टर्स का ASCII कोड डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन लिखिए। मॉड्यूल क्या होता है फाइटॉन में, कितने प्रकार के मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। अब आ जाता है आपका सेक्शन नंबर सी, जो होता है आपका सिक्सटीन मार्क्स का इस क्वेश्चन है, 32 मार्क्स का। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और 500 वर्ड्स में इसके आंसर आपको देने होंगे। फाइटॉन में आपका कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर को विस्तार से समझाइए। स्ट्रिंग्स को उदाहरण सहित समझाइए। फाइटॉन में फंक्शन को परिभाषित कीजिए, विभिन्न फंक्शन को विस्तार से समझाइए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।